अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान, तलहा उस्मान के साथ। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कराची की एक ऐसी बिरयानी जो कि इफ्तार में भी मिल रही है और सहरी में भी मिल रही है, और ये बिरयानी 24 घंटे खुली भी है। अगर इस बिरयानी की बात करें तो ये ओवर रेटेड कह लें या अंडर रेटेड कह लें, क्योंकि इस बिरयानी की जो ख़ास बात है वो ये है कि आप किसी भी वक्त आ जाए आपको ये मिलेगी। इनकी कराची में दो ब्रांच है, एक महमूदाबाद में है और एक तारिक रोड पर है, और इनकी जो बिरयानी है जो एक बार खाता है मैं दावे से कहता हूँ वो बार बार आता है। बिरयानी का काम कब से कर रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त, उतनी लजीज, उतनी जायकेदार बिरयानी। जी अल्लाह का शुक्र, हम 2007 से बिरयानी का काम कर रहे हैं और इसी से यही सिंपल है, यही चीज़ है हमारे पास 2007 से आज तक यही बिरयानी चला रहे हैं हम। ये कहा जा रहा है कि इफ्तार में भी मिल रही है और सहरी में भी मिल रही है। जी अल्लाह के हुक्म से इफ्तार में लोग आ रहे हैं घर, अल्लाह का शुक्र, सहरी में बिल्कुल, सहरी में भी आ रहे हैं और इफ्तार में भी। सहरी को भी बंद नहीं करने दे रहे कि आखिरी टाइम पर बंद करते हैं, और इफ्तार में भी तकरीबन यही हाल कहा जाता है कि भगोने मिनटों में खाली हो जाते हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, ये मुझे बताएं सबसे ज़्यादा आपके पास बीफ भी है, पुलाव भी है और चिकन बिरयानी भी है, सबसे ज़्यादा कौन सी चलती है? चिकन बिरयानी ज़्यादा चलती है सबसे ज़्यादा, जी दोनों ब्रांचों में। जी दोनों ब्रांचों में चिकन। मैंने ये सुना है कि यहाँ की जो खास बात है वो ये है कि जो आप मीट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बड़ी प्योर, बड़ी साफ है। जी अल्लाह का हुक्म। चावल कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये सुबह 11:21 सेल है। ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो ज़रा दिखाएं, ये वो बिरयानी है जिसने पूरे कराची में धूम मचाई, क्योंकि ये आपको सहरी में भी मिल रही है और साथ साथ इफ्तार में भी मिल रही है। अच्छा, ये देख रहा हूँ कि चावल बड़े ज़बरदस्त और एक हलवे की तरह चावल है इसमें। जी जी बिल्कुल। मुझे बताएं जरा बिरयानी के हिसाब की बात करते हैं, आधा किलो कितने की है, पाव कितने की? जी जी, ये अभी किलो 720 की हो गई है और आधा किलो जो है 360 रुपये की हो गई है। महंगी हो गई जी, थोड़ा रेट बढ़ गए, घी चावल के रेट बढ़े हैं तो इनके रेट बढ़े हैं। किलो कितने की है? किलो ये 720 की। बीफ की? बीफ जो है 920 रुपये किलो है। 920? जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं कहाँ कहाँ से लोग आकर खा के जा चुके हैं? ये बड़े दूर दूर से, तकरीबन पूरी कराची की आवाम आती है, और सवेरे सवेरे 5-6 बजे मेरे पास आ गई, ये बताते हैं कि फलां जगह से यानी कि आए हम, और आपके आधा आधा घंटा इंतज़ार भी करते हैं, जब तक फतीला तैयार होता है वो यहाँ बैठे रहते हैं। रोज़ेदारों के लिए जो किसी शहर में और इफ्तार में आपको मिलेगी, और बहुत ही सस्ती और बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज, एक बार आपने लाजमी ट्राई करनी है। अच्छा, तारिक रोड पर ज़रा एड्रेस बता दें किस जगह पर? ये कमर्शियल मार्केट है, गौसिया बम्बे बिरयानी। गौसिया बम्बे बिरयानी और कमर्शियल मार्केट लेबॉरेटरी सिंगल से अंदर दूसरी गली के अंदर है, हम कमर्शियल मार्केट मस्जिद मेमूर में शावर है, यहाँ पे मस्जिद मेमूर के बराबर में है। ये मुझे बताएं कि अभी एक मेरा दोस्त है, उसने मुझसे जिक्र किया कि वो लाहौर में रहता है, लेकिन वो कहता है यार मुझे बॉम्बे की गौसिया बिरयानी की, मुझे चिकन बिरयानी या तो पार्सल करवा दो, अगर मैं कराची आऊँ तो मुझे लाजमी खिलाओ। जी जी बिल्कुल, लाहौर से बहुत लोग आते हैं, हमारे बड़े मेहमान आते हैं लाहौर से, और आते ही कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो और आपके ये चीज़ देख कर हम यहाँ पहुँचे, और सर बिरयानी खाने आए हैं लाहौर से, यानी कि फैसलाबाद से, हैदराबाद से, ये बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। अगर जी आपने कभी ट्राई नहीं की है गौसिया की बॉम्बे बिरयानी तो लाजमी ट्राई करें, आप इसको शहर में भी ले जा सकते हैं, इफ्तार में भी ले जा सकते हैं। अच्छा, सहरी का मुझे बताएं, क्योंकि सहरी 4:30-5 बजे तकरीबन खत्म हो जाती है। जी जी जी, 5 बजे हम बंद कर देते हैं। बंद हो जाता है 5 बजे? 5 बजे से पहले आना है? जी 5 बजे से पहले आना है। सहरी में अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं तो लाजमी ट्राई करें, क्योंकि रमजान में हमारी टाइमिंग 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है, 3 बजे शाम को और जो सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे तक इनकी टाइमिंग है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ट्राई करें, अपनी फैमिली को भी खिलाएं, अपने दोस्तों को भी खिलाएं, और इफ्तार पार्टीज़ यहाँ पर बड़ी हो रही हैं, क्योंकि अभी हमने यहीं पर इफ्तार की है, इफ्तार के बाद जो हमने वीडियो बनाना शुरू की है, और अगर मैं आपको दिखा सकता कि कितना रश था यहाँ पर, और बहुत बाकी बहुत दूर से लोग आते हैं इस बिरयानी को ट्राई करने। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई, उसी के साथ अपने मेज़बान तलहा उस्मान को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।